यार कभी ऐसा घर या कमरा देखा है जो टैंक के ऊपर बना हुआ? ये हैरत की बात है ठीक है, अगर टैंक पानी की कोई ऐसी कोई मतलब जरूरत है और वो टैंक हमेशा बाहर देखा है मैंने, या दालान में देखा है, या घर से बाहर देखा है, या छत पे देखा, सीढ़ियों के नीचे सहन हाँ, में हाँ, बाहर का हिस्सा मतलब बाहर का मतलब उस टैंक के ऊपर बेडरूम कौन बनाता है, कमरा कौन बनाता है? ये मतलब क्या कहेंगे इस बात को कि आप कमरे के अंदर टैंक है, कुआं है और उसमें आपने कमरा बनाया हुआ है अपना। देखें हम एक बात तो जानते हैं कि जी गार कुएं पसंदीदा जगह होती हैं जिन्नात की, तहखाने हो गए, तहखाने ठीक, और उसका ढक्कन खुल रहा है आपके कमरे में बेडरूम में, फिर आप कह रहे हैं आपको मारे पड़ रही हैं, आपकी चारपाई हवा में उड़ रही है, मतलब सुहेल भाई कोई अपना घर कभी ऐसे बनाएगा टैंक के ऊपर? समझ ही नहीं आया ना, वो पिक्चर देखने के बाद तो बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि ठीक है यार हमने भी बचपन से घर बनते हुए देखे हैं, टैंक बनते हुए देखे हैं, वो बाहर बनाते हैं, दालान में बनाते हैं, जहाँ जीना होता है उसके नीचे आ रहा होता है वो, ताकि नुकसान ना हो, बच्चे खेल रहे हैं, कोई गिर ना जाए, लेकिन ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ बेडरूम के अंदर से टैंक निकल रहे हैं वहाँ, क्या तो वास्तव किस तरह क्या बना दिया, या तो कोई नुक्स छुपाने के लिए भी तो कर सकते हैं भाईजान। हमसे कहा गया कि जी इस घर में कोई रह नहीं पा रहा, जो रात को या शाम में सोता है और चारपाई हवा में उड़ जाती है उसको मार पड़ती है, और पहले कोई भागा फिर कोई रहा, सब भाग गए, रात को चौकीदार भी भाग गए। अब हम गए नहीं है उस जगह पे, हमने उनसे कहा तस्वीर वीडियोस भेजे आप, ये तो अभी हमने देखा है कि भाई वो टैंक जो है उसका ढक्कन नजर आ रहा है बेडरूम के अंदर, तो ये चीज तो हमारे तजर्बे में रही है कि यार जन्नात की पसंदीदा जगह होती है वो रहने की, वहां वो रहते हैं, और कभी कभी चार दीवारी में घर के अंदर ये चीज नहीं होती, नहीं होती यार, नहीं होती। बहुत हुआ लोग उसको यूटिलाइज करते हैं सीढ़ियों के नीचे की जगह पर, बीच का हिस्सा हो गया, तो क्या सुन भाई वो मतलब उस कुएं की वजह से ये परेशानियां हो रही है इनको? यार सर भाई देख बहुत जगह ऐसा होता है ना कि जगह को जाया नहीं किया जाता, ठीक है यूज कर लेते, अब जिस तरह वो है कि अगर कपड़ा कहीं से फट जाए तो ठीक है छोटा सा पैबंद लगा दिया उसे रफू कर दिया, मुझे तो ये लगता है कि शायद अपनी ही कोई खता कोई गलती छुपाने के लिए उन्होंने वो टैंक अंदर ले लिया। मुझे तो पता नहीं उल्टा घर लग रहा ही है। हाँ? भाई जहाँ सहन होना चाहिए वहाँ कमरा बना दिया है, और जहाँ कमरे होने चाहिए वहाँ सहन बना दिया आपने, मतलब समझ नहीं आ रही यार टैंक में अभी कभी पानी खत्म हो गया या पानी चाहिए आपको या कुछ करना है तो क्या घर के अंदर कमरे के अंदर बेडरूम में पाइप आएगा? और इतनी जल्दी क्यों थी, फौरन से पहले उन्होंने बना के जान छुड़ा ली अपनी, और आज ये मुसीबत है कि वो खुद भी नहीं रह पा रहे ना कोई और है वहाँ। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये वो पानी का टैंक है या तहखाने का ढक्कन है, कोई चोर दरवाजा है क्या है, लेकिन जो भी है वो ऐसी जगह है जहाँ रोशनी नहीं जाती होगी, जहाँ आवाज नहीं जाती होगी, उसके ऊपर आपने अपना बेडरूम बनाया हुआ है, ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है यार, मुनासिब नहीं है, पता ना खासा अगर बच्चों वाला घर है और वो टैंक रूम के अंदर ही है, और मतलब हजारों हादसे हो सकते हैं यार, टैंक को छोटा तो नहीं होगा ना, 6 फीट तो होगा, 7 फीट तो होगा, अगर लेडीज गिर जाती है, बच्चा गिर जाता है और आपको पता नहीं है, कितना ही मजबूत हादसा तो कैसे भी हो सकता है यार। मैंने तो ऐसा घर नहीं देखा, ऐसा कमरा नहीं देखा कभी, पहले नहीं देखा है कमरा, नहीं देखा। अच्छा एक अजीब सी कैफियत बताऊं सर भाई, जब से आपने मेरे को पिक्चर दिखाई है, जब से हम अभी निकल पड़े रास्ते में, गुस्सा बहुत आ रहा है उस घर को लेके, ये तबीयत में कुछ ऐसा हो रहा है या अजीब सी बात है ये? नहीं वाकई तबीयत जो है ना एक भारी सी हो रही है, और गलती अपनी महसूस हो रही है, मतलब हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं और हमें एक चीज का पता है कि ये गलती की है जिसने भी की है। अच्छा इसके बावजूद फिर ऑनर ये कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा वहां पे, कौन क्लियर करेगा इस बात को? मैं जो तो उसका अभी जाने से पहले ही हल ये नजर आ रहा है कि भाई उस जगह को सहन बनाए, कमरा दूसरी जगह बनाए, उस जगह को आप या तो बंद कर दें, बंद कर दें। लेकिन सहन में अगर है एक बात है सुरेश भाई जी, सहन में भी तो होते हैं ना लोगों के, ये तो उसमें क्या हर कुएं में टैंक में तो असरात नहीं होते? नहीं कैसे होते हैं, हम लगातार घर पे गए और हमारे अजीजों के भी घर हैं यार, दोस्तों के हैं, तो क्या इस वजह से मतलब वो चीज नाराज हुई? जाहिर सी बात है बेडरूम है इंसान का, बेडरूम में तो जैसे हम वॉशरूम भी अटैच होता है तो आप दुआ पढ़ के जाते हैं,
अब इस कमरे में तो कोई दुआ पढ़ के नहीं जाते होंगे ना ये लोग। अच्छा ये टैंक में गैस भी जम जाती है ना? यस। और ये हादसा किसी किस्म का? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बात है चुबाने की? बहुत से लोग टैंक बंद भी हो जाती है ना सज्जन भाई, एयर मतलब होती है तो मतलब जैसे आग जलाई धमाका धमाका हो जाता है। धमाका होता है, वही तो कह रहा हूँ मैं यार, हादसा तो किसी किस्म का भी हो सकता है। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी है, या आप इलाका देख लें हम जहाँ से जा रहे हैं, ये अभी हालिया बारिशों की वजह से जो है ना ये बिल्कुल ही वो हो गया है कि झाड़ियाँ बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा और रास्ता जो है ना वो कंजस्टेड हो गया है काफ़ी बारिशों की वजह से जी। और इतनी आबादी है नहीं इसके आसपास। भाई और अभी भी कॉल हैं जी बारिशों की, जैसे हालिया दिनों में कराची में हो भी रही हैं, अभी आज भी कॉल है, वैसे अल्लाह खैर करे जा तो रहे हैं। तो ये तो अभी हमें ये हमने देख कर जी एक आइडिया लगाया कि ये मुनासिब नहीं है, ऐसा कमरा हमने देखा नहीं है, देखा नहीं है। अब ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा कि एक्चुअली मसाइल हुए कहाँ से। ठीक है अगर उनसे गलती हो गई कि उन्होंने बेडरूम बना दिया, कमरा बना दिया टैंक के ऊपर, लेकिन हर टैंक में तो नहीं होते ना असरात। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद अपनी ही कोई खता कोई गलती को छुपाने के लिए इन्होंने उस चीज़ को अंदर ले लिया रूम के अंदर। मैं मतलब हैरान हूँ यार, इसकी कंस्ट्रक्शन देखकर हैरान हूँ। और वो खुद ही परेशान हो गए कि अब किया क्या। मतलब एक बात है यार, कैसे कोई ये, या तो पता नहीं सुल पर ये कब्जा किया गया है जिसे कहते हैं ना, अपने घर में तो कोई ऐसा नहीं करता भाई। मुझे तो उसकी बनावट पे हैरत हो रही है और अजीब सी बात ये लग रही है भाई, बनावट क्या जल्दी की गई है। जो सीढ़ी लगी हुई है ना लकड़ी वाली, वो सीढ़ी भी अपनी जगह एक जगह खड़ी नहीं होती है। मतलब सीढ़ी में जो चढ़ के ऊपर तलक जाता है ना, तो मतलब सेफ है जी, रात मतलब मगरब के बाद वो सीढ़ी अपने आप ही हिलती है। फिर तो सुहेल भाई ये बात वाजे हो रही है कि भाई उधर तो मतलब शरारती हैं। तो ये देखे ना कि अभी वो जो हम सोच रहे थे कि ये मामलात होते हैं वहाँ पर जी, कामरान ने तो एक नई बात कर दी, तो इसका मतलब कि पूरा घर ही वो इस राइस ने इख्तियार की, उसने यकीन कोई तो मामला हुए होंगे उसका। मतलब बात यह है कि आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए हैं जी, पीछे पलट कर देख रहे हैं तो सीढ़ी हट गई है, तो उतरेंगे कैसे? और खुदा ना खासा चढ़ते भी अगर किसी ने गिरा दिया आपको, ये हिल गई तो तब क्या होगा? ये हुआ होगा जो बता रहे हैं ये, कि सीढ़ी जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, कमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, घर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जी एक अजीब वाक्य आया है सामने, हमने ऐसा घर नहीं कमरा नहीं देखा कभी पहले जिसके अंदर वाटर का टैंक या तहखाना हो बेडरूम के अंदर। तो ये तो हमारा एक आइडियाज़ हैं, बाकी चल कर देखते हैं और क्या मामले हैं। अभी जैसे उन्होंने बताया सीढ़ी का एक नया बात आ गई ना, उठ गया कि भाई सीढ़ी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, तो ऊपर कैसे जाएंगे हम? ऊपर कैसे जाएंगे? या ऊपर जाएं तो एक बंदा नीचे खड़ा हो। आपको बहुत पहले याद है हमने एक जगह पर सीढ़ी लगाई थी जहाँ पर कोई बल्ब नहीं टिकता था। हाँ। जहाँ पर रोशनी नहीं होती थी बिल्कुल, वहां पर भी मुझे लगता था याद है कि सीढ़ी जो है ना हिलाई गई थी, गिराने की कोशिश की गई थी हमें से किसी को। अरे बारिशों ने तो पूरा रोड सुहेल भाई, तो डबल रोड को सिंगल बना दिया। देखिए बिल्कुल, आप देखे तो सही क्या हो गया यार, ये जा रहा है जी हाईवे का रोड। मैं आपको आप बताते हैं, आप बोलते हैं कि एड्रेस बताया करें, तो बता दूं जी हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं मेमन गोट से, और ये बारिशों ने जी ये हाल कर दिया इसका कि जो डबल रोड थे वो अब सिंगल होते गए हैं, इतनी बढ़ गई हैं झाड़ियाँ कांटों वाली। और यहाँ सब जानते होंगे जो अहले कराची हैं कि भाई इधर इतनी आबादी है नहीं, और इन दिनों मामले बढ़ रहे हैं काफ़ी। हाँ जरूर, ये बात तो है, कुछ दोस्तों से भी जिक्र चल रहे हैं, काफ़ी मामला आ रहे हैं।
जी वो जैसे वो मुझे पता चला था ना हैदराबाद गिद्दू बंदर पागल खाने से जी, कि सर्दियों में ना पुरसरार मामलात में इजाफा हो जाता है। बड़ी वजह इसकी शायद ये लगती है कि रातें लंबी हो जाती हैं, सन्नाटा भी लंबी, दिन छोटे हो जाते हैं, खामोशी हो जाती है, तो इस वजह से भी एक कह लें कि सर्दियों में ना हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स होती हैं बनिस्बत गर्मियों के ना पूरे मुल्क से। बाकी जी अल्लाह पाक खैर करे। KPK के अंदर जो मसाइल हैं मुझे यार वही चल रहा है कि अब तो जानवरों के बाद इंसानों पर जो हमला होना शुरू हो गया है ना, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बहुत जल्द भी इसके ऊपर काम करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, कर रहे हैं ज्यादा सब, बढ़ता रहा ना सब लगे में और ये जायका लग गया इंसानों का, अल्लाह अल्लाह रहम, फिर ये बहुत मुश्किल में आ जाए सब लगे में, वाइल्ड लाइफ फोर्सेस तमाम अपने अपनी तरफ से ना लगी हुई है सारी। और दुनिया में जब यार ये नहीं पकड़ा गया एक बात है तो उसको आसान नहीं होगा, थोड़ी सी हिम्मत जज्बे के साथ ही कोई काम हो सकेगा। टेक्निक संभालनी पड़ेगी इसके लिए, CCTV कैमराज हो गए जी, जंगले हो गए और मुसलसल लूटीज हो गई ना, सही लम्हे भर को भी कोई हटे ना। हालांकि जी निकलना आसान नहीं था, आपको पता है कि पूरे दुनिया में बारिश ने एक मसले क्रिएट किए हैं, मुल्क पाकिस्तान में भी कराची में भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह जी एक इंतज़ाम बंदोबस्त हो ही गया है, जा रहे हैं, देखी जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये जगह क्या है भाईजान, यहाँ तो सब तबाही तबाही है, ये सारे शेड ही शेड हैं और सब तबाह हुए हुए हैं। वो पहाड़, वो घर यहाँ पर है सीधे हाथ पे, जी जी सीधे हाथ पे, चल वो चेक कर रहे हैं सामने, ये क्या है भाईजान, ये रास्ता देख लें आप और ये जगह देख लें आप कि कहाँ पर है, जो तो इन मकानों में से एक मकान है वो जी भाई, यार कैसे बनाया हुआ था मकान यार, और क्यों बनाया, इसके आसपास देख लें आप, ये घर है ये मकान है वो, वहां तक के शेड उजड़े हुए, वहां तक चलो, टैंक तो बाहर है ये देख रहे, टैंक ये टैंक नहीं है, गटर लाइन हो सकती है, गटर लाइन है, गाड़ी क्या करें यही लगा दें, यही लगानी पड़ेगी और कोई नहीं, थोड़ी आगे करके इस तरफ लगा दें यार, इसके अतराफ में चेक करें, मैं थोड़ा सा देखूं एक मिनट, ये देखे क्या बना दिया उन्होंने, ये हिस्सा छोड़ दिया इस तरफ का हिस्सा छोड़ दिया, और भाई जान ये पहाड़ के ऊपर कोने वाला ही है, चले बाहर चलते, पूरा जंगल है इसके साइड पर, कोई मकान नहीं बना हुआ, सामने कभी शेड्स हुआ करते थे वो भी तबाह है।
वो देखे सामान इधर आए कामन भाई, यहाँ से वहां तक देखे, वहां तक सब तबाह। भाईजान यहाँ से अगर आप पूरा सीधे हाथ पे देखें यूं करके सब आसपास तो जंगल है। मैं पहले कब्रिस्तान समझा, ये पिलर नहीं निकले हुए छोटे छोटे जैसे कब्रों में। शायद अब दूर वो आबादी है कच्ची कच्ची आबादी है, लेकिन वहां काफी आबादी है। और इस पहाड़ पर ये घर है, इसके साथ जो एक दो है वो भी खाली है, और ये सामने है ये सब तो तबाह है। तो यार इधर बनाने का मकसद क्या है?